हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि खिलौने बनाने के लिए कौन सी मिट्टी यूज में ली जाती है और उसे कैसे तैयार किया जाता है। और आज मैं आपको खिलौने बनाने का बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगी, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, ये है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी को मेट भी कहते हैं और इस मेट को मैंने कल ही भिगो के रख दिया था। इसको एक दिन के लिए भिगो के रख दीजिए। और ये है मिट्टी और ये ऊपर है, मैंने थोड़ी सी राख मिलाई है इसमें। राख मिलाने से हमारे जो खिलौने हैं वो फटेंगे नहीं, इसलिए मैंने थोड़ी सी राख मिलाई। और ये मिट्टी है, ये देखिए, इनको दोनों को इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और ये मिट्टी जो घर बनाने में यूज में लेते हैं, देसी मिट्टी, वही मिट्टी है। अब हम इस मिट्टी को इस मेट के अंदर मिक्स कर लेंगे इस तरह से। और इस तरह से हम अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे। मेट को बहुत ही अच्छी तरह से इस तरह से मसल मसल कर मिलाना पड़ता है। दोनों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। दोस्तों, इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छी तरह मिलाएंगे। और ये अब मिट्टी हमारी तैयार है। अब इसको हम पॉलीथीन के अंदर डालेंगे ताकि ये सूखे नहीं। हम थोड़े थोड़ा इसमें से लेकर हम खिलौने बना सकते हैं, बाहर रखने से सूख जाएगी ये। ये देखिए, मिट्टी हमारी तैयार है खिलौने बनाने के लिए। खिलौने भी बना सकते हैं या कुछ और भी बना सकते हैं, आप जो चाहें बना सकते हैं इस तरह से माटी तैयार करके। ये देखिए, हम पॉलीथीन के अंदर रख रहे हैं इसको। और फिर इसको पॉलीथीन के अंदर 10 मिनट रख दें। 10 मिनट इसको इस तरह से रखने के बाद ये अच्छी हो जाएगी, सेट हो जाएगी। फिर हम मिट्टी के खिलौने बनाएंगे इससे। आज मैं आपको मिट्टी खिलौने बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। और ये हमारी मिट्टी तैयार है, ये देखिए कितनी सॉफ्ट हो गई है। आज आपको मैं बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी मिट्टी के खिलौने बनाने का। ये देखिए, मिट्टी हमारी बहुत ही अच्छी हो गई है। और हम बनाते हैं अभी मिट्टी का चूल्हा। ये देखिए, इस तरह से आपको मिट्टी का चूल्हा बनाना है। दोस्तों, बना रहे हैं हम मिट्टी का बर्तन। दोस्तों, आप कुछ आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ ढूंढ लीजिए जहाँ से, ये देखिए, मैंने अपने घर में ऐसे चम्मच हैं, इसलिए इस चम्मच के नीचे से ये गोलाई है, इससे
मिट्टी के बर्तन हम अंदर से अच्छी तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आपके घर में भी कुछ ऐसा ही मिल जाएगा। आप इसे मिट्टी के बर्तन अच्छे से गोलाई देकर बना सकते हैं। ये देखिए आपको चाकू की सहायता से और चम्मच की सहायता से हम मिट्टी के बर्तन बनाएंगे। ये देखिए कितना सुंदर हमारा मिट्टी का बर्तन बना है। इस तरह से धीरे धीरे दबाकर हमको मिट्टी के बर्तन वगैरह सारे खिलौने बनाने हैं। इस तरह से हमको गोल करना है और धीरे धीरे चम्मच की सहायता से, जोर मत देना ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा पानी लगा सकते हैं ताकि इस चम्मच के मिट्टी नहीं चिपके, वरना मिट्टी चिपक के चम्मच के साथ ही आ जाएगी। इस तरह से धीरे धीरे आपको ऐसे बनाना है और इस तरह से गोलाई देनी है आपको। Thank you.
दोस्तों अब हम बना रहे हैं तोवा, मतलब जो रोटी सेकते हैं हम चूल्हे पर उसे बोलते हैं तोवा, वही बना रहे हैं। इस तो की जो डंडी होती है वो थोड़ी मुड़ी हुई होती है इस तरह, तो हमको इस तरह से इसको बनाना है। इस तरह से इसको हमें थोड़ा सा मोड़ लेना है इस तरह से। और पानी लगाकर इसको हमें तो ऊपर चिपका देना है। ये देखिए हमारा तो तैयार है। तो अब हम बना रहे हैं चकला, जो रोटी बनाने का होता है बेलने के लिए, वो चकला बना रहे हैं। और ये देखिए मैंने भी इस जो रोटी बनाते हैं वही लेके आई हूँ, इससे हम इसको गोल बना सकते हैं इस तरह से। थोड़ा थोड़ा मिट्टी पर पानी लगाकर आप जो चकले के ये हैं वो धीरे धीरे इस तरह से लगा दीजिए। पानी लगाने से ये चिपक जाते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी हमें लगाना पड़ता है। ये देखिए हमारा चकला तैयार है। अभी हम बनाएंगे बेलन। बेलन बनाना तो बहुत ही आसान है। दोनों ओर से ऐसे थोड़ा सा पतला कर देंगे, बीच में से मोटा रख लेंगे और हमारा बेलन तैयार है। इस तरह से आप भी बना सकते हैं अपने घर में मिट्टी के खिलौने।